क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन कुमार। वीज़ा अच्छे से पकड़े, ठीक है। ये आपका आर्मेनिया का वीज़ा है, राइट? जी मैम। ठीक है, ओके। सचिन जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं हरियाणा से, खिदादरी से। हरियाणा से बिलोंग करते हैं। फादर का नाम क्या है? सोमवीर सिंह। ठीक है, आप कहाँ पे जा रहे हैं? आर्मेनिया। आर्मेनिया जा रहे हैं, क्या बोला गया है आपको? ये विजिट टू वर्क वीज़ा है। हाँ, वहाँ जाके एयरपोर्ट पिकअप मिलेगा। हाँ, और अकोमोडेशन मिलेगी। हाँ, और जॉब मिलेगी। मैं बता देती हूँ आपको, ये आपका टूरिस्ट वीज़ा है जो कि 3 महीने का लाइक वीज़ा है और 21 दिन का स्टे है। जैसे ही आप आर्मेनिया पहुँचेंगे, आर्मेनिया के एयरपोर्ट पे आपको एयरपोर्ट पिकअप मिलेगा। डे वन से अकोमोडेशन दी जा रही है। जॉब आपकी हेल्पर कैटेगरी रहेगी। कंस्ट्रक्शन छोड़ के आपको कोई भी काम दिया जा सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, वेयर हाउस हो, बाइक राइडर हो, व्हाटएवर जो भी हो। जब आप उस पोजीशन पे खड़े होगे तो एज पर यू आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आपका ये काम है, इतनी सैलरी है। सैलरी की हमारी जो कमिटमेंट है 30,000 से 50,000 के बीच में है। कितनी भी सैलरी मिल सकती है। अकोमोडेशन अगर कंपनी की अगर बात करते हैं तो अकोमोडेशन कंपनी दे सकती है, कंपनी नहीं भी दे सकती है। उसमें मेरी कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है कि अकोमोडेशन मैं दिला के ही रहूंगी। अगर अकोमोडेशन कंपनी देती है तो उसका पैसा कट करती है, और अकोमोडेशन कंपनी नहीं देती है तो उसका पैसा पे करेगी, राइट? ठीक है, इसमें फूड की मेरी कोई कमिटमेंट नहीं है। नहीं। फूड आपका खुद का रहेगा। हाँ। ठीक है, डे वन से फूड आपको खुद का रखना है। इसके अलावा मैं आपकी अगर पास्ट हिस्ट्री में जाती हूँ तो आपने अपनी जो प्रोफाइल लगाई थी वो रशिया में लगाई थी, ठीक है। रशिया में आपका इनविटेशन भी आया, सबमिशन नहीं हो पा रहा था किसी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे हम गलत हो चाहे हमारे सामने वाले सीनियर गलत हो, तो जिसके कारण आपने खुद अपनी मर्जी से बोला कि आर्मेनिया में लगाओ। हमने कोई जोरजबस्ती तो नहीं करी, ऐसा तो नहीं बोला कि नहीं रशिया में काम नहीं हो रहा है आप इसमें लगाओ। काम हो रहा था, आपका इन्विटेशन एक्सपायर होने की वजह से आपने बोला टाइम ज्यादा लग रहा है, आप मेरा जल्दी वाले में काम कराओ। आपका वीजा आते ही कितने दिन में टिकट करा दी हमने? अगले दिन टिकट कर। अगले दिन वीजा कितने दिन में मिल गया? वीजा चौथे दिन मिल गया। चौथा दिन मिल गया, ठीक है। इसके अलावा आपने हमें एडवांस दिया था, कितना दिया था? 30,000 रुपए। ऐसा तो नहीं है एडवांस लेके हमने फोन वोन पिक करना बंद कर दिया हो? फोन पिक नहीं करा मैंने स्पेशली, बट टीम ने किया। एक दो बार हो सकता है कि मिस हो गया हो, बट हमारी टीम से कोई ऐसी नाराजगी है कि कुछ? अच्छा, आपको अच्छी सर्विस मिली? अच्छी सर्विस मिली। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? बता दो, क्योंकि पता है लोग आप ही के फीडबैक से ही लोग जानेंगे हमें। बाकी आप जैसे ही आर्मेनिया जाओगे आपकी सेकेंड वीडियो आएगी, ठीक है। सेकेंड वीडियो से ही ये पता चलेगा कि जो हमने बोला है वो मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा, आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहेंगे, दो अच्छे और बुरे लफ्ज? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर किसी भी दोस्त को बाहर किसी भी कंट्री में जाना है तो आप मैम से और मैम की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और टाइमली काम हो जाता है। नहीं, टाइमली रशिया का काम नहीं हुआ, टाइमली एक आध बार हो सकता है। हाँ, वो एक आध बार हो जाता है, कभी कभार टाइम पे काम नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिलहाल तो टिकट और वीज़ा मिल गए हैं, रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्लाइट आपको मिल जाएंगे। आपकी फ़्लाइट जो है मुंबई से है, ठीक है। हम आपको दिल्ली से भी कनेक्टेड फ्लाइट दे रहे हैं, वो हम आपको एक दिन पहले देंगे। आपकी फ़्लाइट जो है 10 जुलाई को, राइट? ठीक है, ओके। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके हम जिम्मेदार हैं। अगर आप वहाँ जाते हो, आपका मन नहीं लगता है, आपको काम अच्छा नहीं लगता जो हमने बोला गया है, ठीक है, उस कंडीशन में हम आपको 1 रुपया वापस नहीं करेंगे। बट जो चीज़ बोल के भेजी जा रही है, जैसे सपोज दैट मैं आपको बोल रही हूँ कि लेबर का काम रहेगा, 30 से 50,000 सैलरी रहेगी, अकोमोडेशन मिलेगी, इसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती तो उसकी पेनल्टी हम पे पड़ेगी और हम आपको पैसा रिटर्न करेंगे आपका वीज़ा टिकट काट के। आप अपना टिकट का फेयर देख लीजिएगा, आप अपने वीजा का देख लीजिएगा, ठीक है। जब शॉर्ट शॉर्ट वीजा आता है उसका पेमेंट हमें एक्स्ट्रा करना होता है। वैसे यही वीजा जो है ज्यादा महंगा नहीं आता है, 3-4 हज़ार रुपए का आता है, पर जब शॉर्ट शॉर्ट की बारी आती है तो सामने वाला पैसा जो है एक्स्ट्रा लेता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आपकी 10 तारीख को फ्लाइट है, आपकी बोर्डिंग वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाएगा। एयरपोर्ट पे आप जो है 3 से 4 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। टिकट हम ही करके देंगे आपकी मुंबई की, उस अकॉर्डिंग हम आपको कर देंगे। मुंबई जो डिस्टेंस होगा दिल्ली से जो हम मुंबई की टिकट करेंगे वो हम देख के कर देंगे अच्छे से। बट आप दिल्ली भी अगर आप पहुंचेंगे तो टाइम से पहुंचेंगे। लगेज का ध्यान रखिएगा, लगेज कितना लेके जाना है, कम से कम लगेज लेके जाइएगा कल को, क्योंकि आप काम करने जा रहे हो, लगेज रखने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ और कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच।